सहमत है। आपकी नजर जो टिकेगी सबसे पहले इसी को देखे, आपने क्यों लगा रखा है? शिव बाबा कुछ है? मैं तो नहीं देखता, मैं तो पीछे लगा रखा है आपके देखने के लिए, क्योंकि बाबा कहते बच्चे इसे भी नहीं देखना, और यहाँ तक कि इसके ऊपर जो शिव बाबा बना है उसको भी नहीं, क्योंकि ना तो मैं ऐसा हूँ जैसा तुमने बना रखा, बुद्धि से तुमने समझ लिया। ये तो केवल नए बच्चों के लिए है कि उनकी बुद्धि इधर उधर ना भटके। जिनको समझ में आ गया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, उसे कोई चित्र देखने की जरूरत नहीं। भाई इस काम को लेके हुए हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हैं, वो किस लिए बने हैं? वो भक्ति के लिए, देखो भक्ति के लिए बने हैं। तो आधार वही से है, भक्ति के बगैर ज्ञान भी नहीं है। ध्यान दीजिए, भक्ति करेंगे तो ज्ञान का अधिकार मिलेगा। हाँ। परंतु जब ज्ञान मिल गया तो भक्ति की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप तो वही है ना आपका? मेरे भाई, जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक भक्ति करेंगे, जब ज्ञान मिल गया फिर भक्ति की जरूरत नहीं, फिर भक्ति छूट जाएगी। यदि अभी भक्ति हो रही है तो अभी ज्ञान समझ में नहीं आ। ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझना। बाबा बार बार मुरलियों में समझाते रहते, जब ज्ञान समझ में आ जाएगा फिर भक्ति छूट जाएगी। इसलिए किसी को नहीं कहना कि तुम भक्ति छोड़ो। इस आकृति में देखने की भावना रखना या उस आकृति को देखने की भावना रखना भक्ति है। भल ज्ञान में आ गए हैं, अभी वो भक्त है। जिस दिन उनको समझ में आ गया कि परमात्मा तो एक ज्योति बिंदु है, फिर आपको योग लगाने के लिए बाबा रूम नहीं बनाना। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भक्ति का क्यों सहयोग लेते हैं? हम क्यों मुद्दा बनाते हैं? आप कहीं किसी भी जगह आप जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ स्थानों पर, या आप वहाँ मोह डाबू ही ले लो, तो बाबा के इतना बड़ा चित्र क्यों दिखाते हैं? ये ज्योति बिंदु क्यों दिखाते हैं? ये उनके लिए चित्र दिखाए। बाबा मंदिर क्यों बना रखा है? बाबा रूम बता रखा है? वही जवाब दे रहा हूँ भाई सर, क्योंकि अभी बाबा के बच्चे सारे ज्ञानी नहीं बने, अभी बाबा के बच्चे भगत ही हैं। उनको यदि ये नहीं दिखाएंगे वो नहीं रुक पाएंगे, इसलिए बाबा ने ये चित्र लगवाए, क्योंकि भगत बच्चे आएंगे, इन चित्रों को देखेंगे, उनकी भावना बैठेगी। परंतु जिन्हें ज्ञान समझ में आ गया उन्हें ब्रह्मा बाबा को देखने की जरूरत नहीं, ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलेंगे। जिन्हें समझ में आ गया उन्हें शिव बाबा को कहीं बिंदु देखने की जरूरत नहीं। बता रहे कि ये तो कुछ देने वाला है नहीं, तो हम इसके कदमों में क्यों चले? ध्यान से समझ, बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछ रहे हैं। देखो क्या होता है कि हमें किसी के प्रति रिस्पेक्ट है, सम्मान है, तो सम्मान उसके प्रति यही है कि उसके कहने पर चले। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने बताया कि ये नंबर वन फॉलो करने वाला है, जिसने 100% मेरी ज्ञान को फॉलो किया। ऐसे ही आपने भी इसको फॉलो करो, ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं। जैसे इसके सामने समस्याएं आई, इसने जैसे उन समस्याओं को समाधान किया,
ऐसे तुम भी समस्याओं का समाधान करो। ब्रह्मा बाबा कभी कोई बिंदु को चित्र को रख के उस पर ध्यान लगाने के लिए नहीं करते थे। जब तक ब्रह्मा बाबा थे ये चित्र बना था शिव बाबा वाला, परंतु शिव बाबा ये चित्र शिव बाबा है वो नहीं। ब्रह्मा बाबा ने बहुत बहुत धीरे 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 बच्चों को कंसेप्ट क्लियर किया। एक दिन बाबा ने कहा, आज मैं तुम्हें परमात्मा का रूप बताता हूं। पहले तो बहुत मोटा मोटा ये बना दिए गोल से बीच में जो शिव बाबा है, मैं आज तुम्हें परमात्मा का रूप बताता हूं। पेंसिल से डॉट लगाया कि ये है परमात्मा का रूप। भाई समझ रहे हैं? और उससे आगे ब्रह्मा बाबा ने नहीं कहा, क्योंकि यदि इससे आगे जाते तो वो साइंस बुद्धि वाले जा सकते हैं, भगत बुद्धि वाले नहीं जा सकते। जो साइंस को अच्छी तरह नहीं समझते वो नहीं जाते। अब बिंदु बताया, और साइंस के हिसाब से बिंदु की परिभाषा होती है एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, तो ऐसा बिंदु तो हम बना ही नहीं सकते। जब हम बना नहीं सकते तो उसको देख भी नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी शिव बाबा को याद करने के लिए किसी आकृति का आधार नहीं लिया। ये भगत बच्चों को आकृति का अभ्यास पड़ा हुआ है, उनके लिए जगह जगह चित्र लगाए हुए हैं। धीरे धीरे जब वो समझ जाएंगे तो उनका इन चित्रों से भी कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। अब आ रहे हैं नए नए बच्चे, वो तो अभी भगत बच्चे हैं ना। जब ज्ञानी बनेंगे तो अपने आप उनको, जिसको ज्ञान समझ में आता जाएगा, उनका बुद्धि इनसे हटता जाएगा। फिर उनको बाबा रूम नहीं चाहिए बाबा को याद करने के लिए। अंत वक्त कहां से बाबा रूम आएगा आपके सामने? अंत वक्त आप सड़क पर खड़े होंगे, पता नहीं कहां होंगे, उस समय शरीर छोड़ना पड़ेगा, कहां से बाबा रूम आएगा जो आपको योग लगे। ये भक्ति भावना है योग लगाने के लिए। ज्ञानी तो आत्मा के लिए किसी आकृति की जरूरत नहीं, रेड लाइट की जरूरत नहीं, किसी गीत और ट्यून की जरूरत नहीं। भगत बच्चों को देखिए, ब्रह्मा बाबा ने जो गुरु किए वो उन्होंने ज्ञान में आने से पहले किए। ज्ञान में आने के बाद ज्ञान समझ में आ गया, फिर किसी गुरु के पास भटकना नहीं पड़ा। आप और हम भी तो भटकते रहे। कब तक भटकते रहे? जब तक हमें ज्ञान समझ में नहीं आया। ज्ञान में आने के बाद भी यदि कोई भटक रहा है तो अभी उसको ज्ञान पूरा समझ में नहीं आया, इसलिए वो मंदिरों में धक्के खाने जा रहा है। परंतु जिस दिन उसको ज्ञान समझ में आ गया, उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी बाबा रूम में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना है। जब मुझे जो पाना था वो पा लिया, फिर मैं क्यों भटकू इधर उधर ढूंढने के लिए? अरे मिल गया फिर क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि नहीं मिला तो ढूंढ रहे हैं ना। चाहे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आ गए, रोजाना मुरली भी सुन रहे हैं, घंटों बाबा रूम में बैठकर याद भी कर रहे हैं, फिर भी मेरे को ढूंढने की तलाश है, तो इसका मतलब अभी मुझे बाबा नहीं मिला है। अभी नहीं मिला है तभी तो मैं बाहर ढूंढने जा रहा हूँ। मिला है तो अभी उस पर विश्वास नहीं है कि यही वास्तव में बाबा है, यही अल्टीमेट गॉड है। अरे भाई बात बैठ जा रहा है, ढूंढने में जाएंगे बाबा रूम में जाएंगे तब तो धाम में जाएंगे। ऐसा बात नहीं, कहीं कोई कहीं से गया है। हाँ भाई बात बोली, बात में सुनते हैं। बात वही बता रहा हूँ कि अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं जिनको थोड़ा सा ज्ञान समझ में आया है, उनके लिए तो ये रखना पड़ेगा ना, वरना कहाँ वो योग लगाए, किसके साथ योग लगाए। धीरे धीरे बाबा कहते,
जैसे जैसे उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता जाएगा, उनकी बुद्धि फिर इन चित्रों से बाहर निकलती जाएगी। किसी को मना नहीं करना है कि मत जाओ,